हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फाइनली हम आपके लिए आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर के, और कुछ नया डिफरेंट लेकर के आए हैं। अभी जो हम फिलहाल खड़े हुए हैं, यह है हमारा मुखर्जी नगर, जो फेमस जगह है, और खाने के लिए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटियां मिलती हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें से बोलते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं यहाँ पर। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ शॉप जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, चिकन के नाम से बहुत फेमस है। मैं दिखाता हूँ सम्मी मीट वाले, ठीक है। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको व्यू शॉप का, बहुत बेहतरीन व्यू आ रहा है। बाकी जो यहाँ पर खाने का जो क्राउड है, एक बार मैं आपको दिखा सकता हूँ, काफ़ी बेहतरीन क्राउड है यहाँ पर। मैंने अभी तक ऐसा क्राउड कहीं शायद ही कहीं पर देखा होगा, जो ऐसे बाहर ओपनली खिला रहे हैं बिठा करके, बहुत बेहतरीन है। बाकी आपको मिलाता हूँ शॉप के ओनर से। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया सुनाइए भैया, आपका नाम? शम्मी नाम है मेरा। शम्मी, आपका आपके नाम से दुकान है, बहुत बेहतरीन है, तो अच्छी बात है। बाकी भैया मेरे को ये बताइए, जो आपके यहाँ पर फेमस रनिंग आइटम क्या है, जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है यहाँ पर? हमारा रनिंग आइटम एक तो बिरयानी, यहाँ की स्पेशलिटी है हमारी। हाँ जी, और जो पूरे मुखर्जी नगर की सबसे बेस्ट बिरयानी कहलाती है। और बाकी ग्रेवी में? ग्रेवी में हमारा जो तो तवा चिकन चंगेज़ी बनता है हमारे, इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रेवी आइटम जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा निकलता है। बाकी अगर हमारे जो सब्सक्राइबर लोग हैं, अगर यहाँ पर विजिट करते हैं, अगर आते हैं, तो उनको लोकेशन कैसे बताएंगे, अगर जिसको को नहीं पता हो किसी को? तो सिंपल है, सिग्नेचर अपार्टमेंट है यहाँ का एक मशहूर। हाँ जी, बस उसके अपोजिट सामने पार्किंग है। हाँ जी, हाँ जी, सबको बताएंगे के बारे में, ठीक है। लोकेशन बाकी भैया ने आपको बता ही दी है। बाकी भैया मेरे को ये बताएंगे, ये यहाँ पर स्टेबल कितने टाइम से, कितना टाइम पुरानी होगी ये शॉप? 2016 से हमने ओपनिंग करी थी इसकी। 2016 से? हाँ, तो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लॉन्ग टाइम, मतलब सात साल हो गए हैं, ठीक है। देखो शॉप भी काफ़ी टाइम हो गया है इसको खुले हुए। बाकी जो आपका जो चंगेज़ी है, हमारे लिए करवाइए, बाकी हम टेस्ट करते हैं और अपने सब्सक्राइबर लोगों को बताते हैं, जायज़ा बताते हैं यहाँ करके, और बाकी उनको बोलते हैं कि मेरे खाने के बाद जैसे ही मेरे को टेस्ट पता लगता है जो बेहतरीन टेस्ट रहा, तो विजिट करना ज़रूर, भैया से मिलना और खाना, ठीक है, और टेस्ट बताना। बाकी जो प्राइस है, मैं आपको मेन्यू एक बार दिखा देता हूँ। काफ़ी आप तवा चिकन खाओगे तो हो गया, ठीक है। बाकी अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिससे आप ट्रैक करके इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। भैया बाकी आप एक और बता रहे थे आइटम, क्या बता रहे थे? बर्रा चिकन कुछ आइटम? बर्रा चिकन है हमारे यहाँ का। हाँ, रोस्टेड आइटम है, रोस्टेड आइटम है, एक बार ट्राई जरूर करना जरा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ट्राई करेंगे, बाद में क्यों, अभी रिसेंट पर ट्राई करेंगे, जिससे पता तो लगेगा कितना अच्छा है कितना नहीं है। बाकी हमारा ऑर्डर लगवाइए, ठीक है, उसके बाद आपसे बात करते हैं और मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू। हमारे बर्रा चिकन कौन सा? ये बर्रा चिकन तैयार हो रहा है, इसमें ये अमूल बटर से बनाया जाता है, ये देखिए बेहतरीन, और बटर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर डाला जाता है, ये देखिए आप। इसके अंदर ये लेमन डाल दिया हमारा, ठीक है, हरा धनिया डाल दिया है, और ये क्या चीज़ है भैया? ये चाट मसाला, जो इसका स्वाद बढ़ाने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए बेहतरीन, स्वाद अनुसार। भाई रोटी लगा दे, नीचे ये हमारा बर्रा चिकन, और ये हमारा बर्रा चिकन। देखिए बटर काफ़ी अच्छी गुड क्वांटिटी के साथ में, अमूल बटर जिसे बोलते हैं, प्योर वो है। देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, काफ़ी अच्छा। बाकी अब हमारा जो नेक्स्ट आइटम है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए बिरयानी, बिरयानी कितनी बेहतरीन लग रही है, जो हमारा बासमती राइस है, डबल चावल कहा जाता है, वो चावल है ये, ठीक है, कलरफुल के साथ में, दो क्वार्टर हो गए, दो बेहतरीन फ्राइड चिकन, दो क्वार्टर हो गए। मैं तो ये कहूँगा कि चावल में कोई कमी दिखाई देगी आपको, और जो बिरयानी है हमारी, अभी तो फिलहाल टेस्ट करने के बाद आपको बताएंगे। और ये देखिए हमारा तवा चिकन रेडी हो रहा है, सबसे पहले Thank you.
तीन रोटी लगाओ, तीन रोटी और ये फाइनली हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका है। एक बार देख सकते हैं आप, ये हमारी बिरयानी है, ठीक है, इसे बोलते हैं अचारी बिरयानी है, ये चटपटी टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बर्रा चिकन, ओह सॉरी, ये हमारा तवा चिकन हो गया, देखिए एक बार, ये हमारा बर्रा जो ड्राई में आता है। यहाँ पर तीनों ही चीज़ें जो इनकी फेमस हैं, सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम है वो हैं ये सारे, ठीक है। बाकी मैं आपको एक एक करके टेस्ट करके बताता हूँ, इनका स्वाद बताता हूँ आपको, ठीक है। बाकी देखिए बटर रोटी है भी है साथ में, देखिए बटर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने बटर लगा रखा है इसके ऊपर। ये देखिए सभी, ऐसा नहीं है कि किसी भी एक रोटी पे अलग से हो, और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बटर बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ में है, प्योर अमूल बटर से इन्होंने इसको ग्रैप किया है। बाकी सबसे पहले मैं बिरयानी टेस्ट करके बताता हूँ आपको। बाकी इसके अंदर पीस की क्वांटिटी है, जो ये क्वार्टर है, इसकी पीस की क्वांटिटी देखिए, क्वार्टर में 4 पीस देते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ पीस के साथ में, देखिए पहले एक बार राइस देखिए कितना, काफ़ी बासमती राइस है जो प्योर हुआ है, जो बिरयानी का टेस्ट है स्पाइसी के साथ में काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, ठीक है। बाकी एक और चीज़ इन्होंने ऐड ऑन करके दी है इसके साथ में, कोरमा की ग्रेवी दी है, एक बार देख सकते हैं आप, ये रही, एक बार मैं इसको और डाल करके इसमें ट्राई करता हूँ, आपको टेस्ट एक बार बताता हूँ, जो कोरमे ग्रेवी का भाई देखो, रियल में बताऊँ कोरमे की ग्रेवी के साथ में तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, और नॉर्मल भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। बाकी जो इसका पीस है ये भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट इजीली टूटने वाले पीस हैं इसके सारे, ये देखिए कितना सॉफ्ट है बिरयानी, कोई भी इजीली इसे आराम से खा सकता है, पीस भी बहुत सॉफ्ट और इजी एंड टेक है जिसे कहते हैं। बाकी हम अपना नेक्स्ट ट्राई करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जो इन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे को जो प्रेफर किया था इन्होंने बताया है वो हमारा तवा चिकन, इन्होंने बताया था कि सबसे ज़्यादा टेस्टी और रनिंग आइटम में हमारा ये, जो सबसे ज़्यादा
चलता है और चंगेजी बोलते हैं ज़्यादातर इन लोग यहाँ पर से। बाकी मैं बटर रोटी के साथ में टेस्ट करके आपको बताता हूँ। देखिए इसमें पीस की क्वांटिटी ये देखिए, ये देखो। बाकी मैं टेस्ट करता हूँ और ट्राई करके बताता हूँ आपको। ये ग्रेवी है, ग्रेवी बहुत अच्छी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम है, रियल में बहुत अच्छा है। ठीक है, जो इसका टेस्ट है हल्का सा मिठास के साथ में, जिसकी ग्रेवी है बहुत प्यारी बना रखी है। ठीक है, और जिसके पीस है वो भी कहते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट वो है, कि ऐसा है थोड़ा कुछ कच्चा पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसा बहुत अच्छे हैं। और ग्रेवी आप एक बार देख ही सकते हैं, बटर कोई कमी नहीं है। तवा चिकन है, इसमें बटर भी डाल रखा है, सारी चीज़ें डाल रखी हैं। बाकी पीस आपको दिखाई सकता हूँ मैं, ये देखिए ईजी एंड टेक, देखो आपके सामने ये टूट रहा है। पीस की भी कभी कमी नहीं है, बहुत टेस्टी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बर्रा चिकन है, जो हमारा ड्राई में आता है, जो सूखा सूखा जिसे हम बोलते हैं। आपको मैं एक बार दिखा सकता हूँ, ये देखिए, जिसे बहुत बेहतरीन वैसे दिखाई दे रहा है। बाकी मैं आपको एक बार टेस्ट करके और बताता हूँ। और इसकी जो बटर की जो क्वांटिटी रहती है हमेशा बहुत अच्छी रहती है, ये देखिए बटर की क्वांटिटी। मैं इसको इजीली ऐसे करके कहते हैं ना स्टिक मार सकते हैं, वो वाला हिसाब है इसका। प्योर अमूल बटर है जैसे, वही है। बाकी मैं इसका पीस तो ऐसे ही खाऊंगा, रोटी के साथ में नहीं खाऊंगा। इजी टेक, देखिए सामने रियल में यार नाम जैसा है बर्रा वैसी है, बहुत टेस्टी है। तो यार और इसके साथ में जो बटर डाल रहा है उसकी वजह से और भी इसका टेस्ट बढ़ चुका है। जो इन्होंने अमूल बटर यूज़ किया है बेहतरीन हो चुका है। मसाले ना ही ज़्यादा कोई हार्ड है, ना ही ज़्यादा कोई वो है, नॉर्मल है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती है इससे। मसाले अपने ईजी वाले हैं, ना ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, जिससे आप किसी को दिक्कत परेशानी हो जाए तुरंत पानी मांग लें, नहीं बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा लगा, बाकी मैं एक बाइट और लूँगा, मेरे को तो अच्छा लग रहा है ये। मैं तो कह रहा हूँ रियल में इसमें मेरे को ये नहीं पता लग रहा हड्डी है नहीं है। इसमें मेरे को ये पता ही नहीं लग रहा, अगर होगी भी तो अंदर चले ही पता भी नहीं लग रहा मेरे को। जो इन्होंने तीनों आइटम बताए हैं रियल में बहुत ही टेस्टी हैं। ठीक है, तीनों के प्राइस आपको देखने हैं तो मैंने फिर भी मेन्यू डाल रखा है, आप एक बार देख सकते हैं। बाकी लोकेशन के लिए आपको मैंने बता दिया, किसी को दिक्कत परेशानी होती है फिर एक और बार आपको बता देता हूँ कि आप लिंक आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसके लिए आप ट्रैक करके इजीली आप यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरे पीछे का सारा आप क्राउड देख सकते हैं एक बार, जो यहाँ पे क्राउड है बहुत ही प्यारा क्राउड है। और सीटिंग अरेंजमेंट जो है ओपनली सीटिंग अरेंजमेंट है, जो बहुत प्यारी है। ठीक है, नाइट में बहुत ही मज़ा आएगा, फैमिली के साथ बैठकर, फैमिली के साथ भी आप बैठ करके यहाँ पे इजीली खा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप कैसे भी यहाँ पर आ सकते हो। नहीं तो अगर चाहे तो आप, और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप दूर रहते हो नहीं आ पाते हो तो ज़्यादा दूर भी नहीं, मतलब नियर बाई में 10 किलोमीटर की रेंज में या ज़्यादा 20 किलोमीटर की रेंज में, तो इन्होंने स्विगी और जोमेटो पे भी अवेलेबल कर रखी है अपनी डिलीवरी, होम डिलीवरी है। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है, जो स्विगी के चार्जेस होंगे वही होंगे एनीथिंग। बाकी मैं आपके लिए यही कहूँगा कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई वीडियो लाने के लिए। ठीक है, और कुछ ऐसे भी आपके लिए लेकर आएंगे जिससे हिडन प्लेसेस कहते हैं ना, जो लोगों को नहीं पता होता है, ऐसी भी चीज़ें आपके लिए लेकर के आएंगे जिससे आपको ईजीली पता लगे और आपको नई नई जगह का कुछ डिफरेंट खाने के लिए मिले, आपकी फैमिली को भी खाने के लिए मिले। ठीक है, विजिट करें यहाँ पर, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।